अस्सलाम वालेकुम। आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक सोर्सेस फॉर सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चैप्टर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट वन है डिस्क्राइब हाउ स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग प्लान आर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। Describe the various strategic sourcing activities. Third, describe purchasing role in managing key supplier relationship. Fourth, describe performance criteria used to access suppliers. Fifth, hamara learning objective hai, describe how strategic supplier relationship impact the firm. Number 6, describe how various auction works. Number 7, understand the importance of sharing benefit of strategic partnership. Or number 8, understand the strategic role played by the purchasing function in developing and improving the supply chain management. इसमें जो हमारे चैप्टर आउटलाइन है उसमें हम देखेंगे डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटजीज, सप्लाई बेस रिडक्शन प्रोग्राम, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग की सप्लायर, स्ट्रेटजिक अलायंस एंड सप्लायर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, आउटसोर्सिंग प्रोग्राम, अर्ली सप्लायर इन्वॉल्वमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट एंड अलायंसेस, managing and developing second tier supplier relationship, use of e-procurement system, rewarding supplier performance, benchmarking successful sourcing practices, using third party supply chain management services, assigning improving firm purchasing functions. Now come towards the introduction. Drivers of strategic sourcing, the first one is reduce cost and deliver cycle time. Strategic sources का हमारा main objective होता है वो सबसे बुनियादी जो objective है वो है how to reduce the cost and second one is cycle time. और जो हमारा ये procurement या purchasing का जो cycle time है इसको किस तरह efficient और minimum level पे adjust किया जा सके. सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि हम किस तरीके से अपनी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सिक्योर कर सकते हैं ताकि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सके. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज नंबर ऑफ ग्लोबल कम्पिटिटर्स. आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज का दौर इंटरनेशनल ट्रेड का दौर है और आज एक कंट्रीज के प्रोड्यूसर और सप्लायर अनदर कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के अंदर मार्केट के अंदर जो है कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं और इसका भी मेन मकसद होता है हाउ टू इंक्रीज द कंपटीटर्स. नेक्स्ट इंक्रीज कस्टमर फोकस, किस तरीके से हम कस्टमर फोकस में इजाफा कर सकते हैं ताकि कस्टमर फीडबैक और कस्टमर ओपिनियन और वैल्यूएबल कस्टमर इंफॉर्मेशन को हासिल किया जा सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. रिड्यूसिंग हाई कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मटेरियल. आज के दौर में जो ग्लोबलाइजेशन कॉस्ट है सप्लाई चेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई है. इस हाई कॉस्ट को किस तरीके से हम मिनिमम लेवल पर लाएं ताकि हम जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने में कामयाब हो सके. नेक्स्ट डिलीवर मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट more frequently and cheaply than competitors. हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाएं, हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को में इजाफा करें, हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट की कम्पिटिटिव प्राइस में कमी कर सकें ताकि हम मार्केट के अंदर अपने कंपिटिटर के मुकाबले में लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकें.
डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें सबसे पहले सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटेजीज आर डिफरेंट फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट एंड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट। हम इस सिलसिले में अपनी प्रोडक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट वो है जो फंक्शनल प्रोडक्ट कहलाती हैं और एक ग्रुप प्रोडक्ट वो है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें फंक्शनल प्रोडक्ट की, तो फंक्शनल प्रोडक्ट आर MRO आइटम एंड अदर कमोडिटी लो प्रॉफिट मार्जिन विद रिलेटिवली स्टेबल डिमांड इन हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। ये वो जनरल रूटीन प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता है और इनकी खास करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनकी प्राइस स्टेबल होती है। प्राइस स्टेबिलिटी से मुराद है कि प्राइस के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज ना होने के बराबर होते, लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्राइस फिक्स रहती है। और दूसरा, ये जनरली जनरल लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर करेक्टराइज बाय शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वोलेटाइल डिमांड, हाई प्रॉफिट मार्जिन एंड रिलेटिवली लेस कंपटीशन। और ये इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो कि नाम इनोवेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई इनोवेशन होती है तो जो इनोवेटर होता है उसे कंपटीशन का लेवल जो है या कंपटीशन की इंटेंसिटी कम होती है, उनको कंपटीशन का कम सामना करना पड़ता है। और जितनी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट होती है उनके अंदर हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है, और ये वो प्रोडक्ट होती हैं जिनके अंदर शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि उस फील्ड के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट जारी सारी रहती है और हर आने वाली नई इनोवेशन पुरानी इनोवेशन को एब्सोल्यूट कर देती है। डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटजीज, इसके अंदर सबसे पहले द फॉलोइंग इज अ फ्रेमवर्क ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। इसमें स्टेप वन है, द फर्म सप्लायर आर क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग आइदर टू द इनोवेटिव और फंक्शनल कैटेगरी। सबसे पहले तो हमें सप्लायर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड करना पड़ता है कि कौन से सप्लायर हैं जो फंक्शनल प्रोडक्ट के हैं और कौन से सप्लायर हैं जो इनोवेटिव प्रोडक्ट को डील करते हैं। सेकेंड, द गोल एंड स्ट्रेटेजिक ऑफ द इनबाउंड पोर्शन ऑफ सप्लाई चेन आर डेवलप। यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स या इनबाउंड से मुराद, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस हासिल करती है फॉर फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज, तो इसके अंदर हम स्ट्रेटजीज डिवेलप करते हैं इनबाउंड। थर्ड, सप्लाई चेन कैपेबिलिटी आर इवेल्यूएटेड एंड कंपेयर टू रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। सप्लाई चेन की कैपेबिलिटी को इवेल्यूएट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, जो उसकी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस होती है उस लेवल पर उसको ले जाने की हम कोशिश करते हैं। फोर्थ, सेट गोल फॉर इम्प्रूविंग कैपेबिलिटीज। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्लानिंग के टाइम गोल सेट करती है, गोल डिटरमाइन करती है, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में अपनी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमम लेवल पर इम्प्रूव कर सके। फिफ्थ, इम्प्लीमेंट वर्क प्लान, और फिर हम अपने वर्क प्लान जो हमने प्लान एट द टाइम ऑफ प्लानिंग प्लान किया होता है उस पर इम्प्लीमेंट शुरू करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। सिक्स, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट द वर्क प्लान, और फिर आफ्टर स्टार्टिंग द एक्टिविटीज, जो एक कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है उसके जरिए हम अपनी मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को और उसके बाद एडजस्ट करते हैं वर्क प्लान को। कंट्रोलिंग की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कंट्रोलिंग सिंपली ये स्टेप हमारा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, जिसमें हम चेक करते हैं कि क्या हम करना चाहते थे और क्या हो रहा है। अगर हमारे प्लान के मुताबिक हमारी प्रोग्रेस, एक्चुअल प्रोग्रेस प्लान के दरमियान में कोई फर्क है तो ये डेविएशन कहलाती है, और इस डेविएशन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटजीज। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई चेन सोर्सिंग स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क।
स्टेप वन क्लासिफाई परचेज आइटम एंड सप्लायर। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की जाती है, डिफरेंट ग्रुपिंग की जाती है परचेज आइटम के, वो कौन कौन से आइटम है जो हमें परचेज करने हैं, और फिर उन आइटम को मार्केट में कौन डील कर रहा है, उसके सप्लायर कौन है। सेकेंड, डिफाइन सप्लाई चेन गोल्स। फिर हमें जो है डिफाइन करनी पड़ती है सप्लाई चेन गोल, कि हमारी सप्लाई चेन की जो अल्टीमेट फाइनल गोल है वो गोल्स क्या हैं, ताकि हम उस गोल को अचीवमेंट की तरफ लेकर जा सकें। थर्ड, आइडेंटिफाई करंट कैपेबिलिटीज एंड इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गोल हमने डिटरमाइन की है उसको अचीव करने के लिए हमारी करंट कैपेबिलिटीज क्या है, और उस कैपेबिलिटीज के अंदर अगर कोई कमी है तो इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या है, कि आया हम उन कैपेबिलिटीज के अंदर इंक्रीमेंट ला सकते हैं या नहीं ला सकते। फोर्थ, डेवलप डिटेल वर्क इन लिंक टू गोल्स। और फिर हम जो है डेवलप करते हैं डिटेल वर्क, और उस वर्क की डायरेक्शन को फोकस करते हैं अपनी गोल की तरफ, ताकि हर एक्टिविटी की जो डायरेक्शन हो वो टूवर्ड्स गोल हो, और हम इस तरह जो है अननेसेसरी और यूजलेस वर्क से बचते हैं, और इसे एफिशिएंट और स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। नंबर फिफ्थ, एग्जेक्टिव प्लान टू अचीव रिजल्ट। एग्जेक्टिव प्लान करते हैं टू अचीव रिजल्ट। एग्जेक्टिव जो है वो प्लान करते हैं ताकि रिजल्ट जो है प्री डिटरमाइंड रिजल्ट अचीव किए जा सके। नंबर सिक्स, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट। और फिर हम मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को और एडजस्टमेंट। मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को, और फिर उसमें प्रोग्रेस में जो गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की और एडजस्टमेंट की, वो एडजस्टमेंट की जाती है। तो ये वो सिक्स स्टेप हैं जो हम स्ट्रेटेजिक डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग में एग्जीक्यूट करते हैं और जिसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई बेस रिडक्शन प्रोग्राम। सप्लाई बेस रिडक्शन प्रोग्राम के तहत जो हम सप्लाई बेस रिडक्शन प्रोग्राम इज मोस्ट ऑफन द इनिशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफर्ट्स। ये इंतहाई इनिशियल स्टेप फर्स्ट अर्ली स्टेज होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम बायर सप्लायर पार्टनरशिप आर इजियर विद अ रिड्यूस सप्लाई बेस। जिसके अंदर बायर होते हैं, सप्लायर के साथ हमारी पार्टनरशिप होती है, और हम जो है रिड्यूस करते हैं सप्लाई के वो तमाम अननेसेसरी और यूजलेस एक्सपेंस को। नेक्स्ट, सप्लाई बेस रिडक्शन रिजल्ट इन रिड्यूस परचेज प्राइस। जब हम सप्लाई बेस रिडक्शन रिजल्ट हासिल करते हैं तो उसका सबसे पहला बेनिफिट होता है कि हम अपनी प्राइस को मिनिमम और रिड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं। सेकंड, फीवर सप्लायर मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और सप्लाई सप्लायर्स रिलेशनशिप में जो आने वाली प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है, मिनिमम लेवल पर ले जाती रह जाती है, और ग्रीवेंसेस ना होने के बराबर होती हैं। थर्ड, क्लोजर एंड मोर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सप्लायर। बायर और सप्लायर का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत करीब हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप जैसे मसाइल नहीं होते और मिस कम्युनिकेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। नेक्स्ट, ग्रेटर लेवल ऑफ क्वालिटी एंड डिलीवरी रिलायबिलिटी। ग्रेटर लेवल की हम क्वालिटी हासिल कर पाते हैं और डिलीवरी की रिलायबिलिटी भी हमें अचीव हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग द की सप्लायर। हम कैसे अपने सप्लायर को सिलेक्ट करें, कैसे अपने सप्लायर को इवेल्युएट करें, ताकि हम मोस्ट अट्रैक्टिव और मोस्ट बेनिफिशियल सप्लायर को हासिल करने में कामयाब हो जाए। व्हेन इवेल्युएटिंग सप्लायर टू बी यूज इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरिंग परचेज कॉस्ट बिकम अ रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट। जब भी हम अपने सप्लायर को इवेल्युएट करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर, तो यहाँ पर परचेज कॉस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो रिलेटिवली कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर बेनिफिट्स। की सप्लायर सिलेक्शन इज कंडक्टेड बाय अ क्रॉस फंक्शनल
then selection approach, wherein purchase staff, primary user, product designer and manufacturing person participate. और जब हम अपने की सप्लायर को सिलेक्ट करने जा रहे होते हैं तो हम क्रॉस फंक्शनली जो सिलेक्शन अप्रोच होती है और वहाँ पे जो परचेजिंग स्टाफ होता है, प्राइमरी यूजर्स होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्सन हैं, इनकी ओपिनियन, इनकी पार्टिसिपेशन और इनकी एडवाइजरी को शामिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इशूज और जो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं वही हमें सप्लायर से उसकी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड सप्लायर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर हम सप्लायर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आर वन वे टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कैंडिडेट्स। फर्म ऑफन डेवलप देयर ओन फॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एंड मोस्ट रिक्वायर ISO 9000 और सिमिलर सर्टिफिकेशन एज वन पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सप्लायर से रिलेटेड जो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेशन, जिनका एक सबसे फेमस और कॉमन स्टैंडर्ड है 9000। ये सर्टिफिकेशन श्योरिटी अश्योरेंस देती है कि आपका जो सप्लायर है उसके मटेरियल की क्वालिटी सर्टिफाइड है और उसके अंदर कोई वेरिएंस या उसके अंदर कोई चेंजिंग या उसके अंदर वीकनेस की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम जो सप्लायर को फाइनलाइज कर रहे हैं हम उसके ISO 9000 की सर्टिफिकेशन उसके पास है या नहीं है। नेक्स्ट, अ साइट ऑडिट यूजिंग अ क्रॉस फंक्शनल टीम टू आइडेंटिफाई अ सप्लायर्स प्रोसेस कैपेबिलिटीज, मटेरियल एंड मेथड मॉनिटर्स, बेसलाइन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अपने एक साइट ऑडिट को हम यूज करते हैं क्रॉस फंक्शनली टीम टू आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करती है सप्लायर प्रोसेस कैपेबिलिटीज। सप्लायर किसी भी मटेरियल या किसी भी गुड्स या किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई के दरमियान में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को हम चेक करते हैं। मटेरियल मेथड मॉनिटर, और फिर मटेरियल और उसके मेथड को मॉनिटर्स किया जाता है, और फिर हम उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखते हैं कि आया उनकी मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं। तो आज की हम सेक्शन को अभी यहीं पर रोकेंगे। अगर हम रिकॉल करें कि आज हमने जो चैप्टर शुरू किया और कौन कौन से टॉपिक को कवर किया, तो आज जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 था स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग फॉर सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले हमने बात की कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे, उसके बाद हमने चैप्टर आउटलाइन के चैप्टर में सीक्वेंस ऑफ टॉपिक कैसे हैं, फिर हमने बात की इसमें इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटजीज, हम किस तरीके से सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। इन दिस रिगार्ड वी डिवाइडेड अ प्रोडक्ट ग्रुप्स इन टू सेक्शन, द फर्स्ट वन इज द फंक्शनल प्रोडक्ट, द सेकंड वन इज इनोवेटिव प्रोडक्ट। नाउ अनदर टॉपिक वाज डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटजीज, फिर हम सक्सेसफुल सोर्सिंग और स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं जिसके 6 स्टेप थे। फिर हमने बात की डेवलपिंग सक्सेसफुल सोर्सिंग स्ट्रेटजी के जो 6 स्टेप हैं वो स्टेप कौन कौन से हैं। इसमें नंबर 1 क्लासिफाई परचेज आइटम एंड सप्लायर, सेकंड डिफाइन सप्लाई चेन गोल्स, थर्ड आइडेंटिफाई करंट कैपेबिलिटीज एंड इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ डिवेलप डिटेल वर्क प्लान लिंक टू गोल, फिफ्थ एग्जीक्यूट प्लान टू अचीव रिजल्ट, सिक्स मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट।
उसके बाद हमने बात की सप्लाई बेस्ड रिडक्शन प्रोग्राम, कि वो कौन सा सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम है जिसके जरिए हम अपनी मुख्तलिफ कॉस्ट और अदर एलिमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने बात की इवेल्यूएटिंग सिलेक्शन की सप्लायर, हम किस तरीके से कई सप्लायर में से किसी एक अच्छे या दो अकॉर्डिंग टू नीड अपने सप्लायर का सिलेक्शन कर सकते हैं और उनको किस तरीके से इवेल्यूएट कर सकते हैं। फिर हमने बात की स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड सप्लाई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक अलायंस डेवलप होते हैं और किस तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फोकस की जाती है। और नेक्स्ट हम सेक्शन अपना स्टार्ट करेंगे आउटसोर्सिंग से।